वैसे तो ये फरमान यूपी और उत्तराखंड के हरिद्वार में जारी हुए हैं, लेकिन हड़कंप पूरे देश में मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन कोई इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा है कि इस फरमान की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन आइए हम इस विषय पर बात करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्चुअली यह फरमान है क्या। देखिए, सबसे पहले 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के SSP ने एक फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया कि कांवर यात्रा के रास्ते में आने वाले जो भी दुकानें हैं उनको अपना सही सही नेम प्लेट लगाना होगा। अगर दुकान बड़ा है तो उनको अपने कर्मचारियों का भी पहचान बताना होगा, यानी एक बोर्ड लगाकर उस पर उनके कर्मचारियों के नाम एवं धर्म को दर्शाना होगा। लेकिन देखते ही देखते यह फरमान योगी सरकार को पसंद आ गई और पूरे यूपी में यह फरमान जारी कर दिए गए। और यह बात सिर्फ यूपी में ही सीमित नहीं रहा, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी इस तरह के फरमान जारी कर दिए गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस फरमान से कुछ विपक्ष के नेता एवं सोशल मीडिया यूजर्स को पेट में दर्द होने लगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है, सोशल मीडिया पर शासन और प्रशासन पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस विषय पे बात करने को तैयार नहीं कि आखिर इस फरमान की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन आइए हम बताते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सनातन धर्म में कांवर यात्रा का जो नियम होता है बड़ा कठिन और पवित्र होता है। जरा सा भी चूक हो जाए तो कांवर यात्रा खंडित हो सकती है और यह बात सबको पता है। और इसी का फायदा उठाकर एक विशेष समुदाय के लोग कांवरियों का कांवर यात्रा खंडित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसा पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, कभी कांवरियों पे मांस का टुकड़ा फेंकना, तो कभी कांवरियों पे कुल्ले का पानी फेंकना, तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि कांवरिये किसी दुकान में गए भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद उन्हें पता चला कि यह दुकान किसी विशेष समुदाय की है, जिससे उनकी पवित्रता खंडित हो सकती थी। ऐसे में उनको निराश होना पड़ता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शासन एवं प्रशासन ने ऐसे फरमान जारी किए। वैसे तो मेरे ख्याल से किसी को अपना पहचान बताने से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपत्ति हो रही है तो या तो वो चोर है या तो फिर उनको अपनी पहचान पसंद नहीं है, वो अपना पहचान बदलना चाहते हैं। वैसे आपका क्या राय है कमेंट में बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।